दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फेसबुक पर आप किस तरीके से वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक तो आप रील पे अपलोड कीजिए, एक अपनी पोस्ट पे यानी कि अपनी खुद की आईडी पे अपलोड कीजिए। ठीक है, दोनों आईडी होती हैं, रील पे अलग होती है इंस्टाग्राम जैसी और पोस्ट अलग होती है। ठीक है, तो दोनों बताऊंगा, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आप अपनी पोस्ट पे कैसे करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गैलरी का एक आइकन आता है, ठीक है, जैसे फिर से दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो भी वीडियोस होगी वो शो हो जाएगी, जैसे कि हमारी इस तरीके से ये वीडियो है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए इस तरीके से, कुछ भी एक्स वाई जेड। यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप म्यूज़िक वगैरह भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हैं जैसे इस तरीके से। यहाँ पे आप टाइम भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ डन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसे हटा भी सकते हैं इस तरीके से, इस पर दबा के रखेंगे जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से, इसे यहाँ से हटा भी सकते हैं और यहाँ पे इसे कट भी कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ से सॉन्ग बंद भी कर सकते हैं वॉइस, और यहाँ पे आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके के यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आप अभी मैंने बताया लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इफ़ेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ इफ़ेक्ट नीचे की तरफ आएंगे तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद डन पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, और ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखो यहाँ से आ जाएगी अपलोडिंग पोस्टिंग होगी, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, इसे हम इस तरीके से थोड़ा कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे हो रही है। ठीक है, ये फिनिशिंग हो चुकी है इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये देखो। अब यहाँ पे आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे की तरफ इसी पे शो हो जाएगी, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, आपकी पोस्ट हो चुकी है कम्प्लीट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखो आगे। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाती है। अब इसे हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है, आप भी यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये देखो हमने डिलीट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा रील पे कैसे करें। रील पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर, यहाँ से वीडियो ले लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे सॉन्ग लेने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई भी सॉन्ग ले लीजिए, अपनी वॉइस ले लीजिए, यहाँ पे आप यहाँ पे म्यूज़िक ले लीजिए, जो भी आप म्यूज़िक लेना चाहते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ आपने अपने हिसाब से यहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, अब यहाँ डन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट दे सकते हैं आप अपने रील में जिस तरीके से, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे आप इसे कट भी कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टिकर भी लगा सकते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी स्टिकर यहाँ लगा लीजिए और उसका नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी आप इसमें लिखना चाहते हैं इस तरीके से एक्स वाई जेड, और यहाँ पर आप इन्हें किस किस को भेजना चाहते हैं ये सिलेक्ट कर लीजिए, फ्रेंड को या पब्लिक को। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल को अनलॉक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और शेयर रील पे क्लिक करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं अपलोडिंग पे लग चुकी है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो अपलोड हो रही है। ठीक है, अभी आप देखेंगे, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, इस पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर आ जाएगी अभी आपके रील वाले सेक्शन में, अभी नहीं आ रही है लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी। अब जैसे आप इस तरीके से ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ रील लिखा है, रील्स पे क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं वीडियो आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से आ जाती है, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे डिलीटिंग हो चुकी है इस तरीके से। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फेसबुक पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में विदा लेता हूँ, जय हिंद।